Übung 1. Hallo, wir sind Campus Radio. Wir interviewen internationale Studenten. Wie heißt ihr? Woher kommt ihr? Ciao, ich bin Laura. Ich komme aus Pisa und studiere in Bologna. Und ich bin Pete. Ich bin aus Brüssel. Welche Sprachen sprecht ihr? Ich spreche Italienisch und oft Englisch und Deutsch im Studium natürlich. Ich spreche Niederländisch. Das ist meine Muttersprache. Und Französisch. Im Studium brauche ich Deutsch und oft Englisch. Und was studiert ihr? Ich studiere Chemie. Deutsch als Fremdsprache. Ich bin im Masterstudiengang. Übung. आपको प्रैक्टिस करनी होगी. Übung 1. प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या देखोगे इसको? पहले समझोगे ये क्या चीज है. So campus radio, I'm interview. जैसे बिना समझे आपने सुना तो हो सकता है आज ये चीज समझ में आई, हो सकता है कि पकड़ ही नहीं पाए. शुरू में ऐसे ही लगता है, लेकिन पहले इसको स्टार्ट करने से पहले अच्छे से समझना है, तभी समझ में आएगा. नहीं तो यहाँ भी नहीं आएगा, वहां भी नहीं आएगा. सो पहले देखेंगे इसको. यूबर लेंडर ओ स्प्राक एक्सप्रेशन अबाउट कंट्रीज एंड देयर लैंग्वेजेस. कैंपस रेडियो आई इंटरव्यू विद इंटरनेशनल स्टूडेंटन. इंटरव्यू ले रहा है कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का. ये लाउरा है, लिखा हुआ भी है स्वयं फ्रांसिस, मतलब 22 इयर्स ओल्ड, पिज़ा, यहाँ की रहने वाली है, यहाँ से है ये बेसिकली. एंड पीट जो है फियर उन फ्रांसिस शारा आल्ट ब्रूसल, ये यहाँ का रहने वाला है. अब लौरा पीट एंड लौरा उन पीट, कोई चीज ऐसी है जो लौरा की खास बात है, कोई पीट और कोई काम ऐसा है जो दोनों करते हैं. सो स्टूडियट स्टूडियर इन बालोकना, क्या दोनों ही बालोकना में पढ़ रहे हैं क्या? यस सर. सो स्टूडियट, अगर कोई एक ही पर्सन स्टडी कर रहा है तो उसको क्रॉस कर देंगे, तो ये हो जाएगा लौरा स्टूडियट इन बालोगना. अगर इसको क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब हुआ पीट स्टूडियट इन बालोगना. इसको अगर क्रॉस किया तो आपके पास प्लूरल के हिसाब से स्टूडियरन आएगा, क्योंकि प्लूरल हो गया ना. अगर इसको क्रॉस करते हैं इसका मतलब ये मान रहे हैं हम लोग लौरा उन पीट स्टूडियरन इन बालोगना, अकॉर्डिंगली हम उसको क्रॉस करेंगे. सेकेंड वाले में स्प्रिस्ट नीदरलैंडिश, इनमें कोई एक पर्सन है शायद जो नीदरलैंडिश बोलता है या बोलती है या दोनों बोलते हैं, वो सुन के क्रॉस करेंगे अकॉर्डिंगली. ब्राउक्ट ब्राउखन डॉयच और इंग्लिश इन स्टूडियम, जर्मन और इंग्लिश की स्टडी में जरूरत है, इसको है, इसको है या दोनों को है. स्टूडियट स्टूडियर इन डॉयच, जर्मन कौन सीख रहा है? वापस सुनते हैं हम लोग फिर इस बार, आप भी नोट करना. हेलो, वीर सिंड कैंपस रेडियो, वीर इंटरव्यून इंटरनेशनले स्टूडेंटन. वी हैस्ट हियर, वोहेर कोम्ट हियर? चाओ, इच बिन लौरा, इच कम्मे आउस पिज़ा उंड स्टूडीरे इन बोलोन्या. उंड इच बिन पीट, इच बिन आउस ब्रुसेल. वेलचे स्प्राचेन स्प्रेचट हियर? Ich spreche Italienisch und oft Englisch und Deutsch im Studium natürlich. Ich spreche Niederländisch. Das ist meine Muttersprache. Und Französisch. Im Studium brauche ich Deutsch und oft Englisch. Und was studiert ihr? Ich studiere Chemie. Deutsch als Fremdsprache. Ich bin im Masterstudiengang. Übung 3. वापस इसका एनालिसिस करते हैं. सो लौरा स्टूडियट इन बोलोगना, स्टूडियट है तो इसको काट देंगे हम लोग. लौरा स्टूडियट इन बोलोगना, दोनों रखेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा. दूसरा नीदरलैंडिश, कौन कौन बोलते हैं? केवल पीट बोलते हैं? पीट स्प्रिस्ट नीदरलैंडिश. ब्राउक्ट
Deutsch und Englisch im Studium. Kisko zarurat hai Deutsch und Englisch ki? Pete ne to bola hai. Pete ne bola ich Deutsch und Englisch brauche ich im Studium. Ye do to ye bolta hai. Niederländisch und French, Französisch. Deutsch und Englisch brauche ich im Studium. Isko bhi zarurat hai kya? Ye Italienisch bolti hai. Englisch bolti hai. Und Deutsch. Studiert sie. So kya aayega? Dono kare, ek kare. दोनों ही करना पड़ेगा सो ये कर देंगे तो फिर इसको करने की जरूरत ही नहीं है स्टूडियर्ट स्टूडियन डॉइच दोनों दोनों यस सर ओके लौरा ने बोला था वैसे कि मैं जर्मन पढ़ रही हूँ उसने बोला मेरी स्टडी के लिए मुझे इन दोनों की जरूरत है बट पढ़ाई जर्मनी पढ़ रही है ये लौरा है लौरा ने बोला स्टूडियर डॉइच ओके लास्ट बार एक और सुनाऊंगा बाकी घर पे करेंगे आप इसको Übung 1 Hallo, wir sind Campus Radio. Wir interviewen internationale Studenten. Wie heißt ihr? Woher kommt ihr? Ciao! Ich bin Laura. Ich komme aus Pisa und studiere in Bologna. Und ich bin Pete. Ich bin aus Brüssel. Welche Sprachen sprecht ihr? Ich spreche Italienisch und oft Englisch und Deutsch im Studium natürlich. Ich spreche Niederländisch. Das ist meine Muttersprache. Und Französisch. Im Studium brauche ich Deutsch und oft Englisch. Und was studiert ihr? Ich studiere Chemie. Deutsch als Fremdsprache. Ich bin im Masterstudiengang. Masterstudiengang ka matlab hai masters kar. Übung da. So, humne iska kiya Deutsch. Deutsch kiya to singular hai. Isko hata dete hain. To ye to Deutsch pad rahi hai to ye kya pad raha hai? इसने बोला इस स्टूडियर है शेमी केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो पढ़ाई तो केमिस्ट्री की कर रहा है तो जरूरत इसको दोनों लैंग्वेज की है लेकिन स्टूडियट नहीं बोलेंगे इसको डॉइच एक स्टूडियट शेमी तो ऐसे करके एक ही टेक्स्ट को बार बार पढ़ने से बार बार सुनने से प्रैक्टिस होगी वैसे ही करना है घर पे नहीं समझ में आया तो ऐसे नहीं माथा पकड़ लिया अरे समझ ही नहीं आ रहा